हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोफू दो प्याज़ा की रेसिपी। टोफू दो प्याज़ा एक ऐसा डिश है जो पनीर दो प्याज़ा का ही एक वीगन वर्जन है। दो प्याज़ा वाली किसी भी रेसिपी में प्याज दो बार पड़ते हैं, तो जिन्हें प्याज पसंद है उन्हें ये डिश ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं टोफू दो प्याज़ा को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले टोफू को शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे एक टेबलस्पून रिफाइंड तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो फ्लेम को मीडियम पे कर ले और इसमें डालें टोफू के पीसेस। मैंने यहाँ 200 ग्राम टोफू लिया है। आप एक एक करके इस तरह से सारे पीसेस को तेल में डालें और फ्राई कर लें ताकि ये टूटे ना। हमें टोफू को सभी साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। टोफू को मैंने दो बार में थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लिया है। तो टोफू फ्राई हो जाने के बाद आप इन्हें नॉर्मल पानी में डालकर साइड रख ले कुछ इस तरह से, ताकि तेल इसमें से निकल जाए। ऐसा करने से टोफू थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है। अब एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो फ्लेम को लो पे कर ले और उसमें डाले कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया, धनिया यहाँ डालना ऑप्शनल है। फिर डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग और इन्हें थोड़ा तड़कने देंगे। फिर डालेंगे 2 मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए प्याज और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे करीब 1 से 2 मिनट के लिए हमें तब तक भुनना है जब तक कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ना चली जाए। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ भुनते हुए हो गए हैं और इसकी अच्छी पकी हुई सी खुशबू भी अब आने लगी है। तो अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए। टमाटर जल्दी गले इसलिए मैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक भी डाल रही हूँ। टमाटर को अच्छे से गलने में करीब 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। आप इसमें बारीक कटे हुए टमाटर की जगह एक टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। इसमें तेल भी ऊपर थोड़ा नज़र आने लगा है अब। तो अब इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इन ड्राई मसाले को प्याज के साथ अच्छे से मिला लें। अब इसमें डालें 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी, ताकि मसाले का कच्चा स्मेल चला जाए और ड्राई मसाले जो हैं वो भी अच्छे से फूल जाएं। और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से भून लें। 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो अब फ्लेम को पूरा लो पे कर ले या फ्लेम को बंद कर ले। फिर इसमें डालें 3 टेबलस्पून के करीब दही और दही को अच्छे से मिला ले। फ्लेम ऑफ करके दही को मसाले के साथ मिलाने से दही कभी भी नहीं फटती है, तो जब भी दही डालें गैस को बंद करके ही डालें। दही अच्छे से मिल चुकी है मसाले के साथ, तो अब इसमें डालेंगे टोफू। टोफू को पानी से निकालकर मैंने निचोड़ कर रख लिया था। 1 से 2 मिनट टोफू को मसाले के साथ हमें इस तरह से भून लेना है। 1 से 2 मिनट टोफू को अच्छे से भुनने के बाद अब इसमें डालें 1 कप पानी और बिना ढक्कन लगाए इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दें 8 से 10 मिनट के लिए। अब चलिए जब तक ये पक रहा है हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन गर्म कर ले और उसमें डालें 1 टेबलस्पून घी। घी गर्म हो गया है तो फ्लेम को मीडियम पे कर ले और डालें 1 सूखी हुई लाल मिर्च, जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है, और फिर डालें 1 बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्च और साथ में डालेंगे 1/2 कप प्याज के पेटल्स। प्याज के पेटल्स के लिए प्याज को मैंने स्क्वायर कट करके इसके लेयर्स को अलग कर लिया था।
थोड़ा इसे भुनने के बाद इसमें डालेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर और कुछ सेकंड्स के लिए मसाले को भून लेंगे। तड़का रेडी है तो इसे साइड रख ले। टोफू दो प्याज़ा को पकते हुए 8 से 10 मिनट भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ा तेल भी नजर आ रहा है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ड्राई कसूरी मेथी और इसे अच्छे से मिला लेंगे इसके साथ। अब जो तड़का रेडी किया है हमने वो इसमें ऐड कर लेंगे। और बनकर रेडी है ये टोफू दो प्याज़ा की डिश। इसे आप रोटी, नान या राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल फूड अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन को हिट करके। थैंक यू, टेक केयर।